हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक नए बैकलिंक सोर्स के साथ और इवन ट्रैफिक सोर्स के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सोर्स शेयर करने वाला हूं, एक प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूं जिसका DAPA बहुत हाई है और वहां से आप लोग डू फॉलो बैकलिंक बना सकते हो। अनलिमिटेड डू फॉलो बैकलिंक यानी कि अपने जितने भी आपके आर्टिकल है सबके लिए आप अलग अलग बैकलिंक जो है वहां से क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली रेफरिंग डोमेन तो आपको एक मिलेगा इससे, तो बैकलिंक आपकी काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है, जितनी ज़्यादा आप चाहो। और इसके लिए अलग से आपको कंटेंट भी तैयार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा, आर्टिकल वगैरह लिखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसी आर्टिकल को केवल URL का यूज करके भी शेयर कर सकते हो, ओके। और ये बुकमार्किंग साइट बिल्कुल भी नहीं है, इसका DAPA 90+ है, बहुत ही पावरफुल साइट है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक की भी पोटेंशियल आप देख सकते हैं, इसका ट्रैफिक कितना है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसका जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं टॉप टियर कंट्रीज से भी आता है, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है अगर आपका ब्लॉग या साइट अगर आपका एडसेंस अप्रूवल है, ओके। अपने सब कुछ जानेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सी साइट है, कितना इसका DAPA है, स्पैम स्कोर कितना है, कैसे बैकलिंक बनाना है, कैसे ट्रैफिक मिलेगा, कैसे कॉन्टेंट पोस्ट करना है, सब कुछ जानेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बात करना जरूरी है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी भी अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को शुरू किया है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बैकलिंक से रिलेटेड और अपनी साइट ग्रोथ से लेकर के या फिर वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लेके आना है इसके लिए ही वीडियो यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोज हर रोज फ्री में मिलते रहे। सो गाइड, सबसे पहले हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि साइट कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए, इस साइट का नाम है digo.com। डेफिनेटली इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, तो वहां से भी आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो। तो digo.com इसका नाम है साइट का। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि digo.com को मैंने यहां पर चेक किया हुआ है, तो यहां पर इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 90 है, पेज अथॉरिटी इसकी 76 है, मोज रैंक इसकी 7.6 है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पैम स्कोर की, तो उसको भी मैंने यहां पर एनालाइज किया हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं, ऊपर भी आप इसका URL देख सकते हैं digo.com, नीचे आप देख लीजिए यहां पर digo.com, ऑफकोर्स इसका DA यहां पे देख सकते हो 90 और 76 पी है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यहां पे देख सकते हो आप इसका स्पैम स्कोर जो है वो less than 1 है, ओके। हालांकि स्पैम स्कोर जो मैंने आपको कई बार बताया कि गूगल जो है वो स्पैम स्कोर को कंसिडर नहीं करता है, ये मोज द्वारा बनाया वो एक मापदंड है, तो आपको ज्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी होती है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो स्पैम स्कोर है वो 1 है, ओके। अब चलते हैं फटाफट साइट पे, URL आप यहाँ पर देख लीजिए digo.com, इस साइट पे आपको चले जाना है। और जैसे आप इस साइट पर आओगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा digo.com, ओके, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर साइन अप का बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इनके बहुत सारे प्लान्स है, लेकिन हमें चाहिए फ्री प्लान्स, कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली आपको ये जो फ्री वाला है इसके अंदर ये जो है ना चूज प्लान, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और गाइस जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए यहाँ से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यूजर नेम आपको देना है, यहाँ पर ईमेल पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पर आप लोग इजीली यहाँ पर अपना फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेटली अपने ईमेल को वेरीफाई करना यहाँ पर जरूरी है। अब गाइस जैसे आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे और लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सेटिंग्स है जो कि आप यहाँ पर प्रोफाइल बैकलिंक वगैरह भी बना सकते हो, और भी बहुत सारी सेटिंग्स है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ से मेनली जो हमारे लिए काम है, सबसे ज्यादा जो हमें बेनिफिट मिल सकता है वो बैकलिंक का, क्योंकि यहाँ से बहुत पावरफुल इसकी डोमेन अथॉरिटी है और हमें यहाँ से डू फॉलो बैकलिंक मिलने वाला है, तो आप लोग जितनी चाहे यहाँ से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और ट्रैफिक की पोटेंशियल भी यहाँ पर है, जो आप कंटेंट पोस्ट करोगे वो बाकी लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। कंटेंट कैसे पोस्ट करना है, बैकलिंक कैसे बनाना है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर ग्रुप्स का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ग्रुप्स, अगर मैं यहाँ पर माई ग्रुप्स पे क्लिक करता हूँ, हालांकि मैंने किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, बट हमारे सामने डेफिनेटली ग्रुप्स की लिस्ट आने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पर पूरी कैटेगरीज की लिस्ट है, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर अवेलेबल है, इनके अंदर कितने मेंबर्स है आप देख सकते हो, और इन ग्रुप्स को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और अपने कंटेंट को यहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं इसके अंदर जिसके अंदर थाउजेंड्स में लैक्स में मेंबर्स हैं, तो डेफिनेटली आप लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप ट्रैफिक लेना चाहते हो, ओके। ये ट्रैफिक के लिए बात है, अगर बैकलिंक बनाना चाहते हो तो वो तो बहुत ही आसान है। बैकलिंक बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपका कोई भी साइट या ब्लॉग है जिसके लिए आप बैकलिंक बनाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मेरी साइट है और मैं अपने इस आर्टिकल के लिए बैकलिंक बनाना चाहता हूँ, तो करना सिर्फ ये है कि इसका URL आपको सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब वापस चले जाना है digo.com पर, उसके बाद यहाँ पर माई लाइब्रेरी का ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे चले जाना है आपको। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो प्लस का आइकन है ये बड़ा सा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि बुकमार्क है, इमेज आप अपलोड कर सकते हो, PDF अपलोड कर सकते हो, नोट्स आप अपलोड कर सकते हो अपने द्वारा, यानी कि लिखना पड़ेगा आपको डेफिनेटली अपना कंटेंट, उसके अंदर भी आप लिंक्स वगैरह इम्बेड कर सकते हो। फिलहाल ये सबसे आसान ऑप्शन है बुकमार्क वाला, इस पे अपन क्लिक करेंगे और अपने URL को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके। देन आपके सामने इस प्रकार से ये जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अब सिंपली करना क्या है कि अपने आर्टिकल का छोटा सा पार्ट एक आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और वापस यहाँ पर आना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसे पेस्ट कर देना है, और डेफिनेटली आप चाहें तो
यहाँ पर टैग्स भी दे सकते हो ओके। और कुछ भी नहीं करना है इस पे, तो डेफिनेटली टिक नहीं करना है प्राइवेट वाले पे, वरना फिर आपका जो लिंक है वो आप ही के लिए रहेगा और जब गूगल में इंडेक्स ही नहीं होगा तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इस पे आपको टिक नहीं करना है प्राइवेट वाले पे, इतनी सी सेटिंग्स करनी है आपने और उसके बाद सिंपली ये जो ऐड का बटन है इस पे क्लिक करना है, बस इतना सा ही काम करना है बैकलिंक बनाने के लिए। तो ये देखिए ये आपका बैकलिंक जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब कोई भी पर्सन अगर इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक करेगा वो तो डायरेक्टली आपके उस आर्टिकल पर जाएगा जिसका आपने यहाँ पर लिंक दिया है, ठीक है। तो ये आपका एक बैकलिंक है और ये जो बैकलिंक है ये डू फॉलो बैकलिंक है, ओके अंडरस्टैंड। ये यहाँ पर ओपन नहीं होगा, आपकी साइट पर ही ओपन होगा जाकर के यहाँ से। बस इसी प्रकार से आप जितने चाहे आर्टिकल यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, आपको यहाँ से डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा, डेफिनेटली ये काउंट होगा, बहुत फास्ट ये इंडेक्स होने वाला है क्योंकि इसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से आप इमेज या बाकी सब चीजें यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, प्रोफाइल बैकलिंक वगैरह का भी ऑप्शन है, वो चीजें आप अपनी तरफ से कर सकते हो। ये बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, डेफिनेटली इसके अंदर ट्रैफिक की भी पोटेंशियल है। तो आज का ये ट्रैफिक सोर्स इतना ही था गाइस, इसको यूज करना बहुत आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका डीएपी बहुत ही अच्छा है, डेफिनेटली अगर ऐसे बैकलिंक आप शुरुआत में बनाते हो अपनी साइट के लिए, वो भी डू फॉलो बैकलिंक, डेफिनेटली आपकी साइट बहुत फास्ट यहाँ से इंडेक्स होने लगती है, बहुत फास्ट उसकी रैंकिंग होने लगती है, आप इसका यूज जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपका कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे दीजिए इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।